मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जॉब चेंज के बारे में, काफ़ी लोगों ने उसको देखा। घूमता घामता वो मेरे एक बहुत ही दिल के करीब इंसान के पास पहुंचा और उन्होंने मुझे कल उसके बारे में फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो वीडियो है ये एम्प्लॉयर की साइड से बनाया गया है, आपने इसमें एम्प्लॉय की बात नहीं रखी। मैंने उस वीडियो को जब दोबारा सुना तो मुझे लगा शायद वो सही कह रही हैं। आज इस वीडियो के पार्ट टू में मैं एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं एम्प्लॉय की तरफ से कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने उस वीडियो में कहा था कि एम्प्लॉय लुक्स फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होती है और उसकी परिभाषा क्या होती है, क्या है वाकई में अपॉर्चुनिटी या नहीं है, ये डिसाइड करना ज़रूरी है। सेम चीज़ अप्लाई होती है एम्प्लॉयर पे। एक एम्प्लॉयर को 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, क्या आप अपने एम्प्लॉय को जो कमिट किया है उतना पैसा दे रहे हैं जो कमिट किया है। नंबर 2, क्या आप अपने एम्प्लॉय से उतना ही काम ले रहे हैं जितना आपने कमिट किया है। नंबर 3, क्या आप अपने एम्प्लॉय को बेहतर एनवायरनमेंट दे रहे हैं जो कमिट किया है। और 4, क्या आप अपने एम्प्लॉय को उसके जीवन में, प्रोफेशनल जीवन में स्ट्रेस तो नहीं दे रहे हैं, क्या आपने उसके लिए कुछ चेक्स लगाए हैं। अगर इन सब चीज़ों का जवाब सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो फिर आप सही हैं। अब अगर एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाता है तो शायद मेरा कहना यह है कि आपने गलत आदमी पर दाव लगा दिया। जाने दीजिए उसको, वो आदमी आपके काम का नहीं है। लेकिन अगर इसमें से एक भी चीज़ नेगेटिव जाती है, फिर हमको सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आदमी ने जॉब क्यों छोड़ी। अपने एम्प्लॉयज़ को जो कमिट करें वो सारे वादे पूरे करें। अगर किसी कारणवश वो वादा पूरा नहीं होता है तो वो एम्प्लॉय के सामने लॉजिकली प्रेजेंट करें कि ड्यू टू दिस प्रॉब्लम और ड्यू टू दिस सर्कमस्टांसेस हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगर वो छोड़ के जाता है तो वो कॉर्डियल ब्रेकअप कहा जाएगा। इतना ध्यान रखिए, मेरा कहना ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप बहुत ही अहम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको कभी ख़राब ना होने दें। जो जाए अच्छे नोट पे जाए, जो आए खुश रहे, जो काम करे मस्त रहे, रिलेशनशिप हमेशा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार, जय हिंद।